नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्वाति। हम आपको कई बार अपनी खबरों के माध्यम से दिखा चुके हैं कि किस तरह से शासन सत्ता का गठजोड़ कर अयोग्य व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है, जबकि योग्य व्यक्ति धूल खा रहा है। अभी रीवा जनपद का मामला सुलझा भी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा का ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां 3 दर्जन अयोग्य कर्मचारी लेखा जोखा कर रहे हैं, जिसकी जानकारी तक क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि नैतिकता की दुहाई देने वाले जब सत्ता में बैठ जाते हैं तब उनका भी आचरण बदल जाता है। सत्ताधीशों की पसंद वही बेईमान बन जाते हैं जिनके मामले को लेकर उनके विरोधी स्वर मुखरित हुआ करते थे। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भरेसाही किसी को दिखाई नहीं दे रही है। बेईमान चरित्र शासन प्रशासन की छाती पर चढ़ा ठाठे मार रहा है और शासन प्रशासन सुशासन तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की बात करते नहीं थकते हैं। सत्ता के पहरुए भी मंचों से जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं, लेकिन उनका यह दावा सिर्फ थोथी घोषणा दिखाई देता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग रीवा के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ा एक ऐसा ही मामला लुप्त प्राय अवस्था में है, जो विभागीय धांधली का बड़ा उदाहरण है। दरअसल क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा कार्यालय की प्रमुख कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारियों की कमजोरी, निष्क्रियता, उदासीनता एवं लापरवाही के कारण 10 वर्ष बाद भी 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी विभागीय पदोन्नति का अनुचित लाभ ले रहे हैं। उन्हें पदावनत किया जाना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय खामोशी का चादर ओढ़ कर सो रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा वर्ष 2012 में रीवा एवं शहडोल संभाग के विभिन्न जिलों में पदस्थ 31 कर्मचारियों की सशर्त विभागीय पदोन्नति की गई थी। शर्त के अनुसार उक्त कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार ग्रहण करने के उपरांत 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास करना अनिवार्य था और विभाग की कसौटी पर खरा उतरना था, लेकिन लाभ लेने वाले इस प्रक्रिया में नाकाम रहे, इसलिए इन्हें पदावनत कर दिया जाना था, जो आज तक नहीं किया जा सका। अतिरिक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा द्वारा संभागीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुसार सहायक ग्रेड 2 संगणक स्टीवर्ड कैशियर से लेखपाल, लेखपाल सहभंडारी सहलिपिक के पद पर पदोन्नत 31 कर्मचारियों की सूची जारी की गई थी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के पत्र दिनांक 3 दिसंबर 2012 का हवाला देते हुए क्षेत्रीय संचालक रीवा द्वारा लिखा गया था कि निर्देशों के परिपालन में जो कर्मचारी लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें पदोन्नत पद पर उपस्थित होने के 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करके परीक्षण की सत्यापित अंक सूची संबंधित कार्यालय को भेजना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट था कि 2 वर्ष की अवधि के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षण ना करने पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को वापस कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित कर्मचारियों की होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं होगा। संचालनालय के आदेश में निर्धारित अनिवार्यता को ताक पर रख दिया गया है और कोई भी कर्मचारी परीक्षण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, 10 वर्ष से ज्यादा समय गुजर गए, इसके 2 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो 8 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन रिवर्ट नहीं किए गए। रीवा शहडोल संभाग में योग्यता परीक्षा पास किए बिना ही पदोन्नति का लाभ लेने वालों में विवेक सिंह सिंगरौली, यूबी पटेल सीधी, आर्यन शुक्ला सिहावल, एसएन पाठक शहडोल, संतोष कुमार तिवारी रीवा, मोहन लाल वर्मा रामपुर बघेलान, एसके त्रिपाठी सतना, अशोक गुप्ता सिगरौली, एसएन शुक्ला रीवा, टीपी तिवारी रीवा, अवधेश त्रिपाठी सतना, आरपी विश्वकर्मा रीवा, एमके द्विवेदी रीवा, कैलाश गुप्ता सतना, सलमा खान शहडोल, राजश्री श्रीवास्तव सतना, आरके अग्निहोत्री शहडोल, डीपी वर्मा अनूपपुर, सीताराम मिश्रा रीवा, एसपी वर्मा शहडोल, शारदा त्रिपाठी रीवा, विनोद श्रीवास्तव सिंगरौली, गंगा शरण तिवारी उमरिया, सतीश मिश्रा सीधी, लाल मणि कहार सिमरिया सीधी, राकेश श्रीवास्तव पाली शामिल है। उक्त भर्रेशाही को लेकर जब हमने क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, यह जानकारी विराट 24 के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई है, तो वह जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 31 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया जो अयोग्य होने के बाद भी धड़ल्ले से मलाईदार पद पर बैठे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं संयुक्त संचालक डॉक्टर एमएल गुप्ता ने किस तरह का जवाब देते हुए पल्ला झाड़ा है और क्या कहा है। 2012 में पदोन्नति हुई थी 31 लोगों की, लेखाधिकारी बनाए गए थे। उस समय आदेश जो था कि
दो साल के अंदर इनको दक्षता हासिल करनी होगी। लेकिन आज 2012 से 10 साल बीत गए, 11 साल, उन पर कोई ना तो पदोन्नति की जो वरीयता थी वो हासिल किया, ना ही उनको कोई 2012 में तो मैं था नहीं, आपने आज बताया है तो इसको मैं देखता हूँ और जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई की जाएगी उसमें। क्या लगता है कि अगर नहीं हुई तो आयोग के व्यक्तियों के द्वारा काम किया जाता रहा जिसके कारण अनियमितताएं और अन्य विभाग में कुछ कमियां जब, जब तक मैं पूरे रिकॉर्ड नहीं देख लूं कोई कमेंट कर पाना संभव नहीं, अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं बने नहीं, अगर शासन ने अगर शासन ने लिखा है कि लेखा परीक्षा पास करनी है तो करना पड़ेगा, नहीं किया है तो देखेंगे कि फिर कैसे वो अपने पद पर बने हुए हैं। क्या कार्रवाई हो सकती है अगर नहीं हुआ तो उन्हें डाइवर्ट किए जा सकते हैं? हाँ, अगर उन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है तो जो उस क्राइटेरिया का लाभ ले रहे हैं वो लाभ उनको वंचित कर दिया जाए। इसी तरह की भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।